को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो यूपी में खेला होवे, कल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इसी मंच पर इसी वक्त एक खबर आपको दिखाई थी, वो खबर जो ममता बनर्जी के विरोध से जुड़ी थी। आज उसी खबर को लेकर सियासी संग्राम ममता बनर्जी ने छेड़ दिया। जी, आखिरी चरण से पहले वाला चरण खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुआ, यानी क्रिकेट की भाषा में समझिए तो सेकंड लास्ट ओवर खत्म हो गया। सेकंड लास्ट ओवर, 57 सीटों पर अब वोटिंग हुई। छठे चरण में अब किसने मारा छक्का, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। बतौर सांसद कई बार चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत चुके हैं, मगर यह पहली बार ऐसा मौका है जब विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। पहले चरण में 62%, दूसरे चरण में 64%, यानी कि फीसदी मतदान का प्रतिशत बढ़ता गया। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले की खबरें आई। छठे चरण में भी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, खासतौर पर अंबेडकर नगर में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। अब चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, यानी कि अंतिम चरण का युद्ध अब लड़ा जा रहा है। और चुनाव में सातवें चरण की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग का काफी महत्व है। बीजेपी ने अब राज्यों की इन 54 सीटों पर पूरी तरह से फोकस कर दिया, मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट कौन लेकर आया? कहानी में ट्विस्ट ममता बनर्जी लेकर आई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। याद होगा आपको कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तब बात हुई थी खेला होवे की। आज एक बार फिर से जिक्र हो रहा है कि खेला होवे, लेकिन इस बार खेला क्या यूपी में होवे? सातवें चरण का मतदान, आखिरी रण, छठे चरण में किसने मारी बाजी, यह भी एक बड़ा सवाल है। मगर मोदी के गढ़ में ममता की ललकार, एक धक्का और दो, इसके क्या मतलब है? ममता का वाराणसी से सियासी वार करना, ममता का कहना कि यूपी में खेला होवे, कल वाराणसी में एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जिसकी तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी का विरोध हुआ। आरोप और निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। ममता ने मंच से एक बार आज फिर से यह बात कही कि मैं कायर नहीं हूं, योद्धा हूं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देख बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। ममता का कटाक्ष, सीधे तौर पर वार, ममता के समर्थन से क्या अखिलेश को मिलेगा लाभ? आज इसी पर करेंगे चर्चा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस वार के सियासी मायने क्या हैं, वो भी तब जब वो कह रही हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री यहां पर मीटिंग पर मीटिंग और प्रचार पर प्रचार कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी के इस सियासी संग्राम का जिक्र करेंगे, तमाम दिलचस्प तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कोशिश हमने की है कि एक दिलचस्प पैनल जो कुछ ही देर में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन पहले जरा ममता बनर्जी का आज का सियासी वार आपको सुनाते हैं, जब वो मंच से ललकार रही थी और उसी बात का जिक्र कर रही थी जब कल आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने वो तस्वीरें दिखाई थी। सुनिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा,
और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा बुदाए और चला गया, राजनैतिक और चलबसी उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा। तो ममता बनर्जी का एक अलग अंदाज, जिस तरह से वो करती हैं सियासी वार, आज अखिलेश यादव के समर्थन में मोदी के खुद गढ़ में देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके गढ़ में ललकार रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीधे तौर पर जिक्र कर रही थी उस बात का कि कल जब उनका विरोध हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, आज मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये ममता फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, क्या यूपी में होगा, खेला होबे? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त हमने कोशिश की है कि आज महिला पैनल, क्योंकि ना 33% भागीदारी ना 50%, हम करते हैं 100% की बात। हमने आज महिला पैनल को आमंत्रित किया है। हमारे साथ प्रियंका राणा जुड़ी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उषा वाजपेयी जी जुड़ी हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और साथ ही शिल्पी चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा जुड़ी हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा सुधा मिश्रा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। तो शुरुआत में उषा जी आपसे करना चाहूंगा, यूपी में भी खेला होबे, ममता दीदी कह रही है खेला होबे? पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथ जो बहनें बैठी हैं उन सबों का भी मैं विशेष तौर से सुनने मुझे सुनेंगी इसका भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। यूपी में खेला नहीं होता है, यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ की संस्कृति में पूजा पाठ किया जाता है, सुबह के सुबह भजन होती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और खेला जो होता है वो कलकत्ता में, वो भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जी के राज में हुआ करता था। मैं समझा नहीं, यहाँ पाठ पूजा होती है, खेला नहीं होता, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं तो खेला क्या, आप क्या खेला को किस तरह समझा? नहीं मैं वही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ममता दीदी कह रही खेला होबे, तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल में भी तो आप लोग कह रहे थे ना कि खेला होबे, यूपी में खेला होबे? खेला होबे यहाँ पे बीजेपी जरूर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत ही दिल से मन से, मैं प्रचार में लगी हुई, मेरी आवाज भी गई है, और हर जगह जब हम जाते हैं तो ज्यादातर से ज्यादा लोग विकास की बात करते हैं, महिलाएं सुरक्षा की बात करती हैं, और मेरे पास अभी तमाम वीडियो जो मैं बता भी सकती हूँ कि हर महिला कहती है कि मैं क्यों ना उनको वोट दूं, उन्होंने हमें खाना दिया। मैं रोज ट्वीट करती हूँ, आप मेरे ट्वीट हैंडल को देखिए, और ओरिजिनल नाम के साथ उस विधानसभा की बात करती हूँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नमक खाया इसलिए वोट देना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, दिल से कोई बाध्यता नहीं है, मोदी जी का नमक खाया है इसलिए मोदी जी के लिए कृतज्ञ हैं, खुश हैं, बुरे समय में जब भी कोई काम आता है तो हमारी कृतज्ञता वैसे ही बढ़ जाती है, और ठीक उसी तरह से ये लोग बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं, और सचमुच में एक मरहम के जैसा एक काम किया था, और बहुत खुश हैं, और वो लोग इसलिए मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात सच है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूपी में? बिल्कुल शून्य शून्य फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, शिल्पी चौधरी जी सुना आपने, ममता दीदी कह रही है कि खेला हो बे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने मेरे को घेर लिया, मैं नीचे उतरी और मैंने उनको बताया कि मैं ममता बनर्जी हूं, डरूंगी नहीं लड़ूंगी, और ऐसे कई बार मेरा विरोध हुआ, मेरे को मारने पीटने की कोशिश हुई, और मैडम कह रही है कि खेला नहीं हो बे, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये यूपी है, खेला हो बे? प्लीज शिल्पी जी का ऑडियो उठाइए मैडम।
जी निश्चित तौर पे खदेड़ते खदेड़ते खेला होबे, जो अराजकता उत्तर प्रदेश में समय फैली हुई है, कल जो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, उस सारे प्रदेश ने, देश ने, विश्व ने भी देखा होगा। ममता बनर्जी कोई छोटा चेहरा नहीं है। और सुरक्षा की जो बात कर रही थी पूर्व वक्ता, वो कल दिख गया, बनारस की सड़कों पे दिख गया। लोकतंत्र है इस पूरे देश में, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, किसी का भी प्रचार कर सकता है, किसी का भी प्रसार कर सकता है। आप इस तरीके की अराजकता फैलाएंगे और आप सुरक्षा की बात करते हैं। रही बात लोगों को राशन देने की, वो नमक जिसमें प्लास्टिक के टुकड़े और कांच के टुकड़े थे, वो नमक जिसको देकर इनकी इटावा की विधायक कहती हैं कि लोग एहसान नहीं मानते, तो लोगों ने जवाब दिया है उस नमक का। उन्होंने कहा है 5 किलो राशन के बदले में 5 बीघा खेत जो हमारे हरहा से इन्होंने चराए हैं, हम उसका जवाब देंगे। 5 कुंटल अनाज हमारा जानवर चर गए, हम उसका जवाब देंगे। और आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने कहा कि कृतज्ञता। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष में लोगों से इतना पैसा इकट्ठा किया था, ये पैसा तो बल्कि हमारे टैक्स पे है। मैडम सीधा सीधा बताइए ना, ममता दीदी पश्चिम बंगाल, ममता दीदी उनको यहाँ उतारा, पश्चिम बंगाल उनका विरोध हुआ, आप कह रहे कि विरोध करने वाले भाजपा ही हैं, हो सकता है कि आपने तो प्लान किया हो। हम क्यों प्लान करेंगे? ममता बनर्जी ने तो अपने चुनाव के साथ ही कह दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश में आ रही हूँ अखिलेश का चुनाव प्रचार करने। तो आप देखिए उनकी फुटेज है, आखिरी चरण के चुनाव में ही क्यों, पहले बुला लेते मैडम उनके। ममता जिस स्तर की नेता है उसी स्तर के नेता के अगेंस्ट आके खड़ी होंगी, और मोदी को लपेट पूरा निपटाने आ रही हैं, इसलिए अंतिम चरण में आ रही हैं। उनका एक प्रत्याशी भी है मिर्जापुर से, जो कि छठे चरण में खड़े हो रहे थे, तो जाहिर बात है छठे सातवें चरण के लिए वो आई। उसके बाद मैं प्रियंका राणा जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए उषा मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्लान किया, उनका विरोध किया, और जो सुरक्षा व्यवस्था का आप दावा करते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के सामने आपने भाजपा के गुंडे खड़े कर दिए, जो बात शिल्पी जी कह रही हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे भाजपा में गुंडे नहीं पैदा किए जाते हैं, हमारे भाजपा में समर्पण के राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त होते हैं, वो कोई गुंडे नहीं होते हैं, वो अपने देश के लिए काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि किसने क्या किया है, आप भूल गई हैं क्या बंगाल में क्या हुआ था और वहां क्या किया जाता। अच्छा, मतलब आप बदला लेंगी, मतलब आप बदला लेंगी, आप बदला ले रही हैं, बदला ले रही हैं। मैं बदला बिल्कुल, फाजिल नगर में क्या हुआ, मैंने बनारस में क्या हुआ नहीं किया, मैंने आप अभी कह रही हैं किया, मैंने कुछ आप कह रही हैं कोशिश की, मैंने क्या याद दिला रही हैं, मैं कोई क्या याद दिला रही हैं, मतलब आप बदला ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया है भाई साहब। अरे आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपकी आपका पर्याय ही यही है, आप बदला ले रहे हैं। कोई गुंडे फाजिल नगर में क्या हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुई फाजिल नगर में, बिल्कुल समर्पित होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य पर देखिए हमला किसी पर भी उसकी निंदा होनी चाहिए, तब आपको दर्द हुआ, लेकिन ओवैसी पर हमला हुआ तो आप लोगों ने कहा ये ड्रामे कर रहे हैं, क्यों शिल्पी मैडम? मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास, तब आप लोगों को लगा ये ड्रामे हो रहे हैं। जब ओवैसी पर हमला हुआ तब आपको ड्रामे लग रहे थे। जनता पार्टी ओवैसी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है। अच्छा, ओवैसी पे हमला हुआ, उनको जेड प्लस सुरक्षा मिल गई, स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा कैसे हो रहा है? उनको क्यों नहीं सुरक्षा दी गई? संगमित्रा के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, उनके बेटे अशोक मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया, समान व्यवहार है क्या भारतीय जनता पार्टी का? ओके, प्रियंका राणा जी, क्या उत्तर प्रदेश में खेला होबे कि नहीं? ये कह रहे हैं कि खेला होबे, सपा कह रही है कि ममता दीदी के आने से संकेत बिल्कुल साफ है कि एक नई लड़ाई का आगाज है। क्या लगता है आपको ममता दीदी के चुनावी रण में आने से और अखिलेश के समर्थन में खड़े होने से, और ये विरोध की तस्वीरें क्या संकेत देती हैं? प्रियंका मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी मैडम बोलिए। जी मैं कह रही हूँ
खेला होवे या नहीं होवे ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हाँ जो बीजेपी है वो शासन और राशन पे अपना दाव खेल रही है, और जो गठबंधन है वो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो पुराने विधायक हैं, जो आपके अभी मौजूदा विधायक हैं, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी शायद बीजेपी के अगेंस्ट जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने विधायकों से नाराज हैं, कहीं ना कहीं निराशा है, जो जो बड़े वादे किए गए थे वो शायद वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर आप वोटिंग को भी देखें, जो वोटिंग ट्रेंड है वो भी आप देखेंगे, जो शहरी एरिया है वहां पर कम वोटिंग हो रही है, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो इससे भी पता चलता है कि किस तरह से आपका जो इलेक्शन है किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ममता बनर्जी की बात कहें तो देखिए, बंगाल एक एग्जाम्पल है किस तरह से जो बीजेपी ने बड़े बड़े अपने धुरंधर वहां पर भेजे थे ममता बनर्जी को हराने के लिए, और उसके बाद भी इतने तीसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बनी है बंगाल की, और ये आसान बात नहीं होती है। इतने सालों के बाद आप लोगों के अंदर नाराजगी होती है, जो निचले वर्ग के लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी रोष उत्पन्न होता है कि कहीं उनको कुछ जो है फैसिलिटी मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूरा का पूरा पासा पलट दिया, और किस तरह से मोदी जी से लेकर के अमित शाह और बड़े बड़े जितने भी आपके राजनेता थे वहां पर उन्होंने पूरा दमखम लगा रखा था। तो एक वो एग्जाम्पल है, और ऑब्वियसली हर पार्टी चाहेगी कि ऐसे चेहरे को अपने साथ लिया जाए। प्रियंका जी, आपको लग रहा है कि महिला अस्मिता से चुनाव जोड़ के ममता बनर्जी एक संकेत और संदेश दे रही हैं, और खास तौर पर जिस तरह से मंच से आज उन्होंने अपील की कि महिलाएं बहनें जो हैं मेरी बेइज्जती का जो है वो बदला लेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी मूलभूत समस्या पे वोट करेंगे। वो आप नागरिक जो हैं वो बेवकूफ नहीं होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। अगर उनको राशन मिल रहा है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो कभी भी बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे। अगर युवा जो है उनको रोजगार मिल रहा है तो वो क्यों अपोजिशन को वोट करेंगे। अभी कल ही मैं एक व्यक्ति को सुन रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि बीजेपी के लिए वो बोल रहे थे, क्यों हो जाऊं मैं तेरी इबादत में फिदा, क्यों हो जाऊं मैं तेरी इबादत में फिदा, मैंने मांगी नौकरी और तूने दे दिया गुड़ तेल और चना। तो इस तरह की बातें अगर युवा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रोष है, क्योंकि आप देखिए 10 लाख मोदी का नमक खाया है। देखिए, पहली बात ये प्रियंका गांधी ने इस पे जवाब दिया था कि नमक मोदी जी का कैसे हो सकता है, क्या सरकार जो राशन देती है वो मोदी जी का होता है, क्या वो टैक्स के पैसों से नहीं जाता, क्या नागरिकों के पैसों से नहीं जाता है? तो ये नमक किसी सरकार का या किसी पार्टी का कैसे हो जाता है? तो ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, लोग जो सड़कों का जाल बिछाया है, महिलाएं काफी लॉ एंड ऑर्डर से भी खुश है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो नाराज हैं, बहुत महिलाओं को मैंने सुना है और मैं मिली भी हूँ जो ये कहती है कि हाँ पहले से कुछ ना कुछ बदलाव आया है। अच्छा, ममता लेकिन महंगाई एक बड़ा पड़ेगा, आप ये कह रही ममता दीदी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कोई भी आ जाए, अगर मोदी जी बंगाल जाते हैं क्या वहां पे असर पड़ा? जो स्थानीय लोग हैं वो अपने मूलभूत समस्याओं पे वोट देते हैं। कोई भी नेता आ जाए, अगर वहां की जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुधारा गया है तो कोई उनकी बातों में नहीं आएगा। सुधा जी, अभी तो मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, और वो अनुशासन की जहां बात आ रही है ना शिल्पी जी, आपके लिए भी कुछ है मेरे पास आज, दिखाऊंगा मैं। लेकिन मसला यहां पर सीधे तौर पर यही है ना कि आप लोग जिस अंदाज में सुधा जी चुनाव लड़ते हैं, जिस आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ते हैं, ममता बनर्जी ने उसका जवाब दिया है पश्चिम बंगाल में, और बाखूबी दिया है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उषा जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसे हालात में जब ममता बनर्जी ठीक चुनाव के आखिरी क्षण में पहुंच रही हैं, उसी तरह से जवाब वो दे रही हैं, और बकायदा उन्होंने कल की घटना को बुनाने की कोशिश की, और शिल्पी जी भी ये कह रही है कि अपमान है, आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं समझती हूँ। शिल्पी जी जो कह रही है कि ये अपमान है, इन्हें अपमान किया ही नहीं है। अब किस लिए, किस बात पे अपमान है? और एक और दूसरी बात, आपको अफसोस नहीं हुआ ममता दीदी को काले झंडे दिखाए गए, आपको अफसोस नहीं हुआ?
मुझे क्यों अफसोस हो सकता है? ममता दीदी ने जो कहर बरपा किया है, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, जो बंगाल की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं तो ममता दीदी को एक कॉमन, एक संवेदनशील महिला समझती ही नहीं हूँ। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म अगर मुझे दिया जाए और मैं महिला बनूं, तो मैं ममता दीदी का रूप मुझे कभी ना मिले, क्योंकि एक संवेदना किसी महिला के विषय में उन्हें है ही नहीं। और इन्होंने साबित किया है, ये आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी का विरोध हुआ, आपको कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वहाँ यहाँ मंदिर में घंटे बजते हैं, पाठ पूजा होती है, मैं इसे क्या समझूं? अरे भाई, वैल्यूज का विरोध हुआ है, किसी शख्सियत का विरोध नहीं हुआ है, उसके कृत्य का विरोध होता है, उसके कर्मों का विरोध होता है, वो जो करके गुजरता है उसका विरोध होता है, किसी इंसानी चेहरे एक व्यक्ति का विरोध नहीं होता है। इस बात को बड़ा ध्यान दीजिए। समझ लिया शिल्पी जी आपने जो मैडम ने समझाया? समझा आपने? वो कह रहे कि उनके कर्मों का विरोध किया हमने। अभी खुद ही कह रही हैं मुझे अगला जन्म अगर कभी मिले। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जो जो पंजाब में जब देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा था, वो फिर किसका विरोध था? मुझसे पूछ रहे हैं जी? उषा जी करती है जनता, अरे प्रजातंत्र है, जिसको विरोध करना है करेगा। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पंजाब से वापस आए थे ना, तब उन्होंने कहा था ये बात कि मैं मेरी जान बच गई, अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा बच के आ गया। तब उस वक्त कौन विरोध कर रहा था उनका, किसका विरोध हो रहा था? कृत्य का विरोध था कि व्यक्ति का विरोध था? क्या उनके, क्या बात करना चाह रहे हैं? मुझे शब्दों में फंसाइएगा मत। पंजाब में जो हुआ है, जो किसानों के साथ, जो इसमें कोई लाफिंग मैटर नहीं है, मैं सीरियसली बहुत संवेदना के साथ। अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, कृत्य का विरोध था कि व्यक्ति का विरोध था? प्रधानमंत्री एक कॉमन मैन नहीं होता है? अच्छा, मुख्यमंत्री कॉमन मैन होता है? मुख्यमंत्री कॉमन मैन होता है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हुआ है प्रधानमंत्री के साथ। अच्छा, मुख्यमंत्री के साथ सही है? मुख्यमंत्री के साथ सही है? परेशान हो रही है 10 तारीख को, वो हमारे में कावत। मैं क्यों परेशान होंगी, आप बताइए तो। नाऊ भाई कितने बार, अरे कृत्य का विरोध हुआ या व्यक्ति का विरोध हुआ पंजाब में? कृत्य का विरोध हुआ या व्यक्ति का विरोध हुआ? कृत्य का विरोध हुआ या व्यक्ति, मैं आप ही के शब्द आपसे पूछ रही हूँ। पंजाब में कृत्य का विरोध हुआ या व्यक्ति का विरोध हुआ? न कृत्य का विरोध हुआ न व्यक्ति का विरोध हुआ है। अच्छा, लोगों के अंदर जो देखो जो जो भड़काया गया है, लोगों ने जो उन्हें चढ़ाया था, एक बहुत ही गंदी मंशा से जो काम किया गया है, वो दुराचारी स्वभाव के कारण जो काम किया गया है, उसका विरोध था। उषा जी, उनकी मंशा तो बंगाल के लोगों ने बता दी ना, उनकी मंशा अगर खराब होती तो बंगाल के लोग उनको वोट नहीं देते, आज मुख्यमंत्री ना होती, तो मंशा उनकी खराब कैसे? आप अब क्या कहेंगे? जिस तरह आप पूरे बंगाल की मंशा खराब बता रहे हैं, आप पूरे बंगाल के लोगों को ही गलत बता रही हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, पूरे बंगाल। आप क्या कह रही हैं? आप क्यों मेरे मुंह में मुंह डाल करके अपनी बातों को कह रही हैं? मैंने कब कहा? मैं कहा कह रही हूँ? एक मिनट शिल्पी जी, आप जिस कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको कानून व्यवस्था का हाल दिखाऊं? आपने सुना होगा, मुझे पता है आप बैकफायर करेंगे। नहीं, बैकफायर नहीं, मैं तो पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। मैं आप लोगों की पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी ना हूं, या मैं फिर उषा जी की पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी ना हूं। जो है मैं वो दिखाऊंगा, जो ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आती हैं उसको दिखाना मेरा फर्ज है। कल जैसे मैंने ये तस्वीरें सबसे पहले, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने सबसे पहले वो तस्वीरें, जब ममता बनर्जी का विरोध हुआ, सबसे पहले तस्वीरें हम नहीं दिखाई। तो मैं आप तस्वीरें दिखाता हूं। आपने सुना होगा कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, कई बार सुना ना आप सबने कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। सपा का पुलिस पर लाठी चार्ज दिखाऊं? देखेंगी? हाँ दिखाइए, लेटेस्ट तस्वीरें आज की। अच्छा, हाँ बिल्कुल, प्लीज प्ले करिए, देखिए।
शिल्पी जी देखा आपने, ये बकायदा बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा कि बनारस में पुलिस वालों को डंडों से पीट रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के साथ क्या करेंगे, उसका ट्रेलर ये लाल टोपी वाले गुंडे देखा, ये दिखा रहे हैं लाल टोपी वाले गुंडे। सभा स्थल पर की मुझे जहां तक लग रही है सभा स्थल की आपकी फुटेज है, और जिन भी कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है उन्हें चिन्हित करके बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ होगी। बाकी बची बात भारतीय जनता पार्टी, वो तो बिल्कुल ना कहे, विधानसभा के सामने पुलिस वालों के ऊपर मारपीट करते हुए उनकी फोटो हजारों की संख्या में हम लोगों के पास भी है। नहीं, आप इसे जायज मानती हैं? आप इसे जायज मानती हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे कहा कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पार्टी द्वारा। ममता दीदी का विरोध हुआ तब आपको गुस्सा आया, आपके ही नेताओं ने पुलिस वालों पर लाठी चला दी, आपको गुस्सा नहीं आया? आपको गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्होंने लाल टोपी डाली है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने आपको जवाब दिया तो कि पार्टी इन पर कार्यवाही करेगी, हम बिल्कुल चिन्हित करेंगे, चिन्हित हो ही जाएंगे बहुत आराम से, वो डी में खड़े हैं। नहीं, वो डी में खड़े हैं। आप देखिए ना, भीड़ में दिखाइए एक बार, सुमित प्ले करिए प्लीज। आप इसमें कैसे चिन्हित करेंगे शिल्पी मैडम, जरा मुझे भी समझाइएगा कैसे चिन्हित करेंगे आप? एक पुलिस वाला रोक रहा है, कह रहा है कि संयम बरतो, हाथ जोड़ रहा है आराम से, एक पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, आप उस पर लाठी चला रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा आया। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? ऊपर चलती हुई लाठियों से भी कर लीजिए मैडम, मैंने हम लोगों के ऊपर जो जायज है आप उसकी बात करिए ना, ये जायज ठहरा रहे हैं आप इसे जायज ठहरा रहे हैं? वाले मैंने तो नहीं जायज ठहराया, मैंने तो आपसे कहा कि पार्टी उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। अब अगर आप उतने पे भी संतुष्ट नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? एक उदाहरण देता हूँ आप बताइए। मैं खलीलाबाद गया, खलीलाबाद में अखिलेश यादव जी की रैली थी, आज से 2 दिन पहले की बात है, हेलीपैड पर आपके नेताओं को अखिलेश यादव जी का वेलकम करना था, पुलिस वाले व्यवस्था सुधार रहे थे, सिक्योरिटी इंचार्ज जो उनके थे वो व्यवस्था सुधार रहे थे, आप ही के नेता भीड़ में से आए, बोले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूं, जिला पंचायत सदस्य हूं, मुझे अंदर जाने दो। जब उन्हें रोका गया तो वो जनाब कहते हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा मैं। ये हंसने की बात नहीं है मैडम, उनकी नासमझी है। और इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा करते रहे हैं, आगे भी हो। मैडम चाहे तो मैं फुटेज भिजवा दूंगा आपको। ओके प्रियंका राणा जी, क्या इस तरह के मसलों को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ से तस्वीरें आ रही है, कुछ और तस्वीरों का भी जिक्र मैं करूंगा उषा जी से, लेकिन यहां इस तरह की तस्वीरें और छठे चरण में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है, क्या और आक्रामक होता हुआ दिखाई देगा चुनाव? देखिए बिल्कुल, और इस तरह जो यूपी के अंदर बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है, नेक टू नेक फाइट चल रही है अगर आप देखें तो, और आखिरी चरण में तो ऑब्वियसली दोनों ही पार्टी पूरा दमखम लगा देंगी, और जो अब जो लास्ट चरण है, जो आपका सातवां चरण है और जो ये छठवां चरण भी था, उसमें ज्यादातर उन एरियाओं में बाहुबली का होल्ड है अगर आपने देखा हो तो वहां पर तो वैसे भी पार्टी से ज्यादा जो बाहुबली वहां के जो प्रेजेंट विधायक हैं या जिनका राज का चलता है उन्हीं की चलती है, और बाहुबली जिस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। कुछ एरियाज के अंदर जो जाति समीकरण है वो ऊपर है, तो इस तरह से वहां पे विकास के मुद्दे नहीं होते हैं वहां पर, और मुद्दे नहीं होते हैं वहां पे, जाति पर वोट डलती है वहां पे, अपने जो बाहुबली नेता होते हैं उनके नाम पर वोट डलती है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, और ये चीजें बहुत आम होती हैं, जिस जो आपके सपोर्टर्स होते हैं वो उत्तेजक हो जाते हैं और आपस में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से आक्रमण होते हैं नेताओं पर, और अगर आप कहते हैं कि जो अपराधी हैं उन पे बुलडोजर चला दिया जाता है, या जो पुरानी पार्टी है जो अब गठबंधन दावे करता है कि अब लॉ एंड ऑर्डर हम सुधार देंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, और इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को बतानी चाहिए कि भाई इस तरह के जो आपको विरोध करना है वो नारे से कीजिए। अगर पीसफुल अगर ममता बनर्जी का विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो शिल्पी जी को गुस्सा आता है,
और वही विरोध उनके कार्यकर्ता पुलिस वालों पर लाठी चलाते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता। तो ये एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मैं प्रियंका जी एक बात और समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं उषा जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये ममता बनर्जी का संकेत और संदेश तो नहीं है कि ये लड़ाई 2022 की नहीं 2024 की है, और यहाँ से अगर मगर किंतु परंतु अखिलेश यादव एक चेहरा बनकर निकलते हैं तो ममता दीदी साथ खड़ी हैं, जो सपना मुलायम सिंह यादव का था, क्या ये संकेत है? बिल्कुल ये संकेत है, और पूरे देश की नजरें आज उत्तर प्रदेश पे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और अहम राज्य माना जाता है। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहीं से बनता है और यहीं से हटता है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी जी आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से बंगाल में उन्होंने एक फेस उभर कर आया है, तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके फेवर में ही जो है रिजल्ट आए और मोदी जी के विपक्ष में जो है यहाँ पर वोटिंग हो। तो ये तो जरूर है कि वो भी अपना जो है एम ये लेकर के चल रही हैं कि आगे मुझे मोदी के अगेंस्ट में लड़ना है, और उसमें अगर मुझे आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का साथ मुझे चाहिए होगा। तो ये एक एग्जाम्पल तो है ही है, और पूरा मतलब ये लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, कि उत्तर प्रदेश को हमें किन। उषा मैडम आप इत्तेफाक रखती है जो बात प्रियंका जी कह रही हैं कि ये लड़ाई 2022 की नहीं 2024 की है, और अखिलेश यादव अगर एक चेहरा बनते हैं तो ये चुनौती आप लोगों के सामने है, क्योंकि कल तक सवाल ये था कि मोदी के सामने कौन, वो सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर मैं राष्ट्रभक्तों की बात करूं, अपने अपने विचारों की बात करूं, तो ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग होगा तो बहुत अच्छी बात है देश के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकत होनी चाहिए सब। तो आप अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं संकेत से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, संकेत से कोई राजनीति नहीं चलती है, अपने कर्मों से चलती है, अपने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से चलती है। तो ममता बनर्जी की क्या प्लानिंग लग रही है आपको, क्यों वो अखिलेश यादव को इतना प्रमोट कर रही है? जनता देखिए भाई, जनता ही है जो सब तय करती है, और अगर आप जनता जनप्रिय हो और जनता को भावनाओं को समझते हुए जनता को जन कल्याण कर रहे हो तो कोई स्ट्रेटजी कोई संकेत आपका काम नहीं करेगा, अगर आप सच्चे दिल से जनता के लिए कार्य कर रहे हो। मैं आपके सामने शिल्पी जी से पूछ लेता हूँ, शिल्पी जी आप बताइए आपको क्या लगता है कि ममता दीदी क्यों प्रमोट कर रही है अखिलेश यादव को? आ रहा हूँ प्रियंका जी आपके पास, क्यों प्रमोट कर रही है? बिल्कुल देखिए, ये हम सब जानते हैं और उत्तर प्रदेश के ये मन की बात है, ये लड़ाई 22 की नहीं है, ये 22 की लड़ाई नहीं है, 24 का आगाज है। मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं नहीं जानता, बताइए। आप जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। अच्छा, मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं? बिल्कुल, अगर सुन लेते ना कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में जुड़े होते तो अभी मैं उनसे जवाब ले लेता। कांग्रेस 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 की बात मत करिए, चलिए वो एक जोक हो गई है। कांग्रेस की बात ना करूं? बिल्कुल। क्यों शिल्पी मैडम, अगर जुड़ गए कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में तो? देखिए जुड़ गए, भूदेव जी आ गए। अच्छा, तभी आप खामोश हो गई अब बोलते बोलते? मैं कहां खामोश हुई, मैं कहां खामोश हूं? नहीं तो आप कह रहे 24 की लड़ाई है, कांग्रेस का ही है नहीं, ममता दीदी प्रमोट कर रही है अखिलेश यादव को, मतलब समझ लो आप यही तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। डिबेट पीछे से देखें, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अक्षरशः सहमत हूँ इस बात से। भूदेव जी सहमत हूँ, बहुत बहुत स्वागत है, आप ही का इंतजार था। मैडम कह रही हैं कि समझो इशारे, जनता पुकारे, अखिलेश आ रहे, और वो कह रहे हैं कि आप लोग पिक्चर में है ही नहीं, ममता दीदी 2024 की तैयारी कर रही हैं, इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने आई हैं। सुना आपने, वो कह रही कांग्रेस ना 3 में ना 13 में ना यूपी में ना केंद्र में। देखिए शिल्पा जी क्या कहती हैं, ये उनका अपना मत है। आज जैसे प्रियंका गांधी जी के साथ जो उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ रहे हैं उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है, अच्छी बात है अगर उनको लगता है, लेकिन हम तो वहां की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। नहीं बिल्कुल, कोशिश सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सरकार बना रहे हैं,
नहीं, हारने के लिए चुनाव कौन लड़ता है? नहीं नहीं सर, आपकी बात सही है, आप सरकार बना रहे हैं ना। सरकार बनाने के लिए चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल मैं अच्छा। बोल रहा हूँ ना, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते ना। तो अगर शिल्पी जी है वो अपनी पार्टी से अगर सरकार बना रही है, अच्छी बात है। हम कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा पूरी मेहनत कर रही है, वहां के लोगों के साथ खड़ी हुई है। जो वहां की जनता चाहेगी, सरकार बनाने के लिए मालूम है ना कितने विधायक चाहिए होते हैं? बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ तिलक जी, देखिए वहां की जनता डिसाइड करेगी ये तो कि सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस पार्टी बनाएगी, सपा बनाएगी या कोई और पार्टी बनाएगी, ये तो वहां की जनता 10 मार्च को जब परिणाम निकलेंगे तो पता चलेगा। बाकी आज तो सभी अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ है ये वहाँ के युवा देख रहे हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव को प्रमोट क्यों कर रही है, आपको क्या लगता है? ये अच्छी बात है, देखिए अखिलेश जी सपा की अगर प्रचार अगर ममता दीदी कर रही हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है, हमारे पास तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सेंट अच्छा। मतलब सेंटर के अखिलेश यादव को स्टार प्रचारक चाहिए इसलिए ममता दीदी को बुलाया उन्होंने। नहीं बिल्कुल है, हर किसी को चाहिए, किसी को भी बुला सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय मंत्री मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव कर सकते हैं तो अखिलेश जी के समर्थन में कोई प्रचार कर सकता है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रचारक है वो अपना प्रचार कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी। अब एक राहुल गांधी जी के खिलाफ या प्रियंका गांधी जी के खिलाफ केंद्र के सारे मंत्री, सारे इनके सांसद प्रचार करते हैं तो आप राहुल जान सकते हैं कि मतलब हमें आकर पलट के गलती से उषा वाजपेयी जी आपसे ये पूछ लें कि राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की उत्तर प्रदेश में, तो आप बता देंगे उनको? कट गया। नहीं तिलक जी देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी के लिए केवल एक उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरा देश है राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा। उन्होंने उत्तराखंड में भी रैलियां की, उन्होंने पंजाब में भी की, उन्होंने गोवा में भी की, उन्होंने मणिपुर में भी गए, उत्तर प्रदेश में भी गए, हर जगह जाएंगे ना। यही कहा मैंने, मैंने तिलक जी मैंने क्या कहा, केवल हमारे पास कोई एक स्टार प्रचारक नहीं है या हमारे पास कोई एक ही नेता नहीं है, तमाम नेता है, दूसरे नेता है, सचिन पायलट जी है, गहलोत जी है, दीपेंद्र हुड्डा जी है, प्रियंका गांधी जी है, तमाम नेता हमारे रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी की थी वो वहां गए, यानी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है आपको? अरे ये किसने बोला, गए हैं ना प्रचार करने, गए हैं ना, क्यों नहीं गए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी गए, उत्तराखंड में भी गए, पंजाब में भी गए, गोवा में भी गए, मणिपुर में भी गए, हर जगह जा रहे हैं। मुझे प्रियंका जी समझा रही थी, फिर मैं उषा जी के पास जा रहा हूँ। प्रियंका जी समझा रही थी, कह रही थी इतना समझिए कि ये 2022 नहीं 2024 के लिए ममता बनर्जी सियासी बिसात बिछा रही है, इसलिए अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने आई है। आप लोग कई पिक्चर में नहीं है ये कह रही हूँ। देखो कोई भी अगर कहता है कि पिक्चर में नहीं है, कहीं नहीं है कि नहीं है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। 10 मार्च को जब एक जिस तरह के परिणाम आएंगे जो कभी सोचा नहीं होगा, 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इनका जो राष्ट्रीय कार्यालय है ना, उस दिन एक व्यक्ति नहीं दिखाई देगा वहां दिल्ली में। ये कितने भी नहीं, सपा है कि नहीं है ये 10 मार्च को पता चलेगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन आप प्रियंका जी से कहिए कि ये निश्चित तौर पर मान लें कि 10 मार्च को 5 राज्यों में कहीं पर भी उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। चुनाव नहीं लड़ रही, वो राजनीतिक विशेषक है, वो अपना आकलन बताती है मैडम। वो चुनाव वो लड़ती है, उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस नहीं है, उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस नहीं है, तो मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ कि 10 मार्च को इसके परिणाम देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी है कि नहीं। आज भी केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी कांग्रेस सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ कि जो प्रियंका गांधी जी ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, और उससे सिर्फ इतना हो सकता है कि जो आपकी वोटिंग रेशो है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है कहीं कुछ एरियाज में। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये दावा करते हैं कि भाई कांग्रेस 10 मार्च को सरकार बना लेगी, ये तो हास्यप्रद है, क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी आप मतलब जमीनी स्तर पर कहीं भी नहीं है, आपका संगठन नहीं है, आपका आज तक कोई भी आप देखिए ना, आप कार्यकर्ता भी आपके कहाँ कहाँ हैं, बहुत कम कार्यकर्ता जो हैं आपको सड़कों उस पर मिल जाएंगे प्रचार करते हुए, आपके नेता भी आपको नहीं मिले हैं। आपके नेता के नाम पे चलो आपने ये कहा कि महिलाओं को सामने लाया जाए, इससे थोड़ी बहुत आपकी प्रशंसा हुई है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सरकार बना लेंगे, ये तो बिल्कुल ही मतलब अजीब सी बात हो गई। आप जो दूसरे राज्य में अपनी सरकारें हैं, चाहे पंजाब हो चाहे उसमें भी आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है,
उनको ही बचा ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे, मुझे लगता है कि जो 24/7 का एक ट्रेंड चला है पॉलिटिक्स के अंदर, अगर उसको राहुल गांधी जी एक्सेप्ट करेंगे और वो जमीनी स्तर पर उतारेंगे तो शायद आप कुछ अच्छा कर पाए। तो इस चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई हाँ, हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कहना कि 10 मार्च को आप सरकार बना लेंगे, ये तो बहुत मजाक की बात है। देखिए प्रियंका जी, राहुल गांधी जी केवल एक उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। अगर आप ये कहें कि वो केवल उत्तर प्रदेश में जाकर के ही केवल रैलियां करें तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, उत्तराखंड में भी रैलियां कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, गोवा में भी। और दूसरी बात, तिलक जी एक सेकंड, वही बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आज पूरे देश को, आज पूरे देश को पता है कि चाहे कोरोना के समय हो, चाहे किसानों के संघ हो, या उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही सरकार शासन कर रही है, वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां मजदूरों के साथ, वहां दलितों के साथ, उनके साथ केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पंजाब में आप कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया, राजस्थान में, उत्तराखंड में, आप मुझे बताइए ना। अगर आपकी विचारधारा है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो दूसरे राज्यों में पीछे क्यों रह जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ही क्यों नारा लगाते हैं? देखिए, हमने क्या कहा कि जब भी सेंटर में की सरकार आएगी तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और उत्तराखंड की बात करें तो वहां जिन जिन महिलाओं को जरूरत है, जहां जैसी जरूरत है, जो जीत सकते हैं उनको टिकट दिया गया है। ठीक है, टिकट दिया गया है, ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं दिया गया। और उत्तर प्रदेश में दिया गया नहीं, बिल्कुल, हम तो जीतने के लिए देते हैं, हारने के लिए देते हैं क्या? उनका पूरा समर्थन है, उनके जीतने के लिए दिया है। और ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। ओके ओके, भूदेव जी एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ, ले लो, कोई बात नहीं, धन्यवाद। शिल्पी जी मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? अरे आपने हमको बधाई नहीं दी, उनको बधाई दे दी मैडम। गलत बात कह रहे हैं, हम सरकार बना नहीं। देखिए तिलक जी देखो ऐसा है, सरकार कोई भी बनाए, पांच राज्यों में से, पांच राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी। आप बीजेपी का आप देखिए कि आज लोग बीजेपी से परेशान है। नहीं, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, हम तो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो कौन शिल्पी जी को आप उनके काम में दखल क्यों करते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं, हम क्यों दखल, सरकार हम दखल नहीं कर रहे। हमारा जो चुनाव है वो सरकार, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो वहाँ के लोगों के खिलाफ जो तानाशाही अत्याचार कर रही है, तानाशाही सरकार है जो अत्याचार कर रही है। अच्छा, अब ये वहाँ की जनता डिसाइड करेगी, जो भी जनता का जनादेश होगा वो हम स्वीकार करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है। सपा खड़ी है तो सपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस खड़ी है तो कांग्रेस की बनेगी। ओके ओके, और भाजपा खड़ी है तो भाजपा की बन रही। नहीं, भाजपा तो खड़ी ही नहीं है, भाजपा तो खड़ी ही नहीं है। भाजपा ने जो अत्याचार किया है, वहां की जनता को सिर्फ परेशान करने का काम किया है, वहां सही शासन चला है। उषा जी, ओके, भूदेव जी अब हो गया। अब उसका जवाब शिल्पी जी देना चाह रही है। मैं चाह नहीं रहा कि डिबेट डिरेल हो, वरना फिर सब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो सारे फॉर्मूले मैडम जानती हैं, शिल्पी मैडम, उनको सब मालूम है। अब मैं उस पर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा उषा मैडम आपको, और ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि बलरामपुर की तस्वीरें प्लीज़ प्ले करिएगा। और बलरामपुर से जो तस्वीरें सामने आई चुनाव के दौरान, वो हैरान करने वाली थी। बलरामपुर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं पलटू राम शिवपुर महंत पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं, जो आरोप लग रहे हैं। पहुँचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। और कई जगह बकायदा बीप लगानी पड़ रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो शब्द मैं ना तो सुना सकता हूँ और ना ही आपको बता सकता हूँ। उषा मैडम, ये आरोप लग रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप ही के प्रत्याशी, आप ही के नेता हैं, बताइए इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा क्या? उषा मैडम को प्लीज क्लिप कर लीजिए। नेटवर्क से मैं बाहर हो गई थी, चल नहीं रहा था, मैं अभी देखी हूँ। और जिस तरह इस तरह की जब भी कोई चीजें होती हैं, हमारी पार्टी कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरे से जड़ तक जाएगी और जरूर इसका पता लगाएगी और छानबीन करेगी। और जो भी दोषी हो, अगर वो दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई चिंता का क्या विषय है, करेंगे ही करेंगे। नहीं, आप ही के प्रत्याशी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, सिर्फ एक जगह की बात थोड़ी है। आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं ना, ये तो आरोप है ना, तय नहीं हुआ है तो उस पर उसकी करी जाएगी छानबीन। अच्छा, मतलब तस्वीरों को आप साक्ष्य नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको इसका पूरा
देखा जाएगा, सुना जाएगा, सच्चाई को पड़ताल की जाएगी और उसके बाद हम नतीजे पे आएंगे। अच्छा, एक तस्वीर और दिखाऊं आपको बलिया वाली, आज वो भी वायरल, कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ मैडम, प्लीज बलिया वाला भी जो है मैडम को तस्वीरें दिखाइए। बलिया में आप तस्वीरें देखिए, और बलिया जिले की ये तस्वीरें हैं, बासडी विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं और अपने समर्थकों के साथ धमकी देते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए जो उन पर आरोप लगे और बकायदा चुनाव आयोग से शिकायत तक की गई, और ये अपने विरोधियों के समर्थकों को किस तरह से लताड़ रही है वो आप देख सकते हैं। पूरा पता लगा लेने दीजिए ना, और उसके बाद जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनकी आवाज सुनाऊं मैडम आपको? मुझे लगता है मेरा नेटवर्क जा रहा है बार बार। नहीं मैडम, थोड़ा सा नेटवर्क पकड़ लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क मत जाने दीजिए मैडम, आप दिल्ली में है तो वाईफाई तो फ्री है, केजरीवाल जी ने लगवाया। आवाज जा रही है, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है। अच्छा मैडम चलिए, तस्वीरें नहीं दिखाता मैं, नेटवर्क थामे रखिए आप, सुन नहीं पा रहे, सही हो जाएगा, नहीं सुन पा रहे आप। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से, कार्रवाई होगी, नहीं मैडम होनी भी चाहिए लेकिन जांच के बाद, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ तब कार्रवाई हो, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूं। शिल्पी मैडम, भूदेव जी कह रहे हैं कि सरकार कोई भी बनाए सत्ता की चाबी उन लोगों की जेब में होगी, भूदेव जी यही कहा आपने, लेकिन ममता बनर्जी का फैक्टर अगर वाकई कामयाब था तो आप लोगों को पहले ही चुनाव प्रचार में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था ना, वहां प्रियंका गांधी चुनाव में हुंकार भर रही हैं, तो ममता बनर्जी के आने से तो आप लोगों को मदद मिलती, उल्टा आपने बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं नहीं, देखिए हमारे 7 चरणों के चुनाव में हर चरण में अलग अलग नेता आए हैं, इस समय पांचवे चरण के चुनाव से डिंपल जी भी उतरी हैं, जया भादुड़ी जी भी आई हैं, तो हमने ये पहले से एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अलग अलग चरणों में जिन जिन नेताओं का जैसा जैसा महत्व है वो उसी तरह से आएंगे। चूंकि वाराणसी में बड़ी संख्या में बंगाली समाज है, इसको देखते हुए किरणमय नंदा जी और ममता जी दोनों और साथ साथ जया भादुड़ी जी सारे के सारे वहां मैं आपकी बात समझ गया। आप समझ गए इस बात को कि ममता दीदी अगर महिलाओं के भीतर एक फेस है तो प्रियंका गांधी भी तो एक फेस है ना, तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जो आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी समाजवादी पार्टी को, उसकी भरपाई ममता दीदी कर सकती थी, आपको लगता? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, कांग्रेस और सपा दोनों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, तो हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कांग्रेस हमें नुकसान पहुंचा। नहीं, प्रियंका गांधी से कोई नुकसान नहीं हुआ आपको? क्यों नुकसान होगा, हमारी लड़ाई जिससे है उससे लड़ाई, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से है। नहीं, और हम सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी कैसी नेता है, बताइए आप, आपको कैसे लगता? थोड़ा उनको और समय देना चाहिए राजनीति में। किस बात के लिए? राजनीति में क्यों, वो अच्छा चुनाव नहीं लड़ रही है? वो कहां से चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव लड़वा रही हैं, वो चुनाव लड़वा रही हैं, चुनाव लड़ नहीं रही। अच्छा, प्रियंका गांधी ने तो चाहा था कि वो आए, वो चुनाव लड़े, उन्हें फाइट करना चाहिए था। अच्छा, वो एक मजबूत पार्टी की अगर नेता हैं तो बिल्कुल उन्हें आना चाहिए था मैदान में, ये उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता। भूदेव जी कुछ कहना चाहते हैं आप? विचार है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, अगर वो उत्तर प्रदेश में जाके एक विधायक का चुनाव लड़े तो ये पार्टी कभी नहीं चाहती, और ये डिसाइड पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो करता है कि किसको चुनाव कहाँ से लड़ना है। अब कोई भी कहे कि प्रियंका जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है, कि राहुल जी को यहाँ से लड़ना है, कल को तो ये भी हो सकता है कि राहुल जी आइए और विधायक का चुनाव लड़िए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं? प्रियंका गांधी आज भूदेव जी क्या केंद्र की नेता है, बड़ी नेता है? नहीं, अरे सांसद नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है। क्या बात, नहीं ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जाए और चुनाव लड़े, ये जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़े, ये पार्टी डिसाइड करेगी। अरे दलील ठीक नहीं है। अरे तो शिल्पी जी देखिए, आपका
नहीं आपका अच्छा है कि आप आपके उत्तर प्रदेश में ही है, वहां आपको अखिलेश जी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री ही बन सकते हैं, तो मुख्यमंत्री से ऊपर सांसद का चुनाव प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, ये आगे भी देखेंगे कि लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, या फिर कोई और भी तमाम चुनाव है, ये कि मतलब आए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लिए, कल को उत्तराखंड में कहेंगे उत्तराखंड में प्रियंका गांधी नहीं लड़ी, फिर राजस्थान में कहेंगे कि राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ी। भूदेव जी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। शब्दों का इस्तेमाल करो शिल्पी जी, आपने कहा ना हम सरकार बना रहे हैं, शिल्पी जी मुझे लगता है कि बौखला गई है ना शिल्पी जी, इसलिए जो है वो कह रही है कि प्रियंका गांधी को लेकर, इसलिए मैंने मुबारकबाद पहले दे दी थी शिल्पी मैडम, सुना ना मैंने मुबारकबाद दी है भूदेव जी को, वो सरकार बना बहुत अच्छा किया एडवांस में, उषा जी को भी दे दीजिए थोड़ा सा बीपी, आप भी दे दीजिए ना 10 के बाद बहुत ज्यादा उनको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए ठीक है, अच्छा फाइनल कमेंट प्रियंका जी, अब ये चुनाव कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिरी चरण का चुनाव है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने बीजेपी को जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है उसके बाद भी प्रचार करते हुए देखा है, केदारनाथ में, केदारनाथ की गुफा में देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कूच करते हैं और पूरा देश उनको देखता है, यानी कि आक्रामक रवैये से बीजेपी चुनाव लड़ती है और आखिरी वक्त तक, लेकिन इस बार जिस तरह का मोमेंटो दिखाई दे रहा है बीजेपी का, इसका आकलन आप कैसे करेंगे जल्दी से? देखिए मुझे नहीं लगता है इस बार वो मोमेंटो है जिस तरह से पहले होता था, मोदी लहर अब वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है, अगर विकास का कार्य किया होता तो फिर पलायन और हिंदूवाद और ये सब राष्ट्रवाद के मुद्दे यूक्रेन बीच में नहीं आ जाता, अब्बा जान बीच में नहीं आता, तो ये सब चीजें बेमानी सी लगती हैं। अभी जो है मूलभूत समस्याओं से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, एक साल किसान आंदोलन चला तब मोदी जी ने सुध नहीं ली, योगी जी ने सुध नहीं ली किसानों की, उसके बाद अब कहते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, अब हम बिजली कम कर देंगे, अरे 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, 600 से ज्यादा किसान मर गए तब आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने बिल वापसी ली, तो ये सब चीजें अब जनता जान चुकी है, तो इसका जो भरपाई है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इन चुनावों में, और बहुत ही टफ फाइट है, 10 मार्च को नतीजे जो आएंगे वो शायद चौंकाने वाले हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ किसके पक्ष में नतीजे आएंगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई दिलचस्प जरूर हो चुकी है और आखिरी चरण तक पहुंच चुकी है। उषा मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भूदेव जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी, और प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चुनावी लड़ाई इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये आखिरी ओवर का मुकाबला होगा, इस सियासी आखिरी ओवर में कौन कितने स्कोर करेगा अब देखना ये दिलचस्प होगा। ये उत्तर प्रदेश है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे को गाड़ी में डंडा मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ।